हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू डू इंग्लिश. प्लीज टेक दिस अल्फाबेट बुक एंड टर्न टू पेज नंबर 52. यहाँ पर लिखो आज की डेट. ओके, आज हम कौन सा अल्फाबेट सीखने वाले हैं? ये है अल्फाबेट जेड. जेड फॉर जेब्रा. जेड फॉर जिब्रा. कैसे लिखना है मैं आपको दिखाती हूँ. तो देखो, यहाँ से पहले एक स्लिपिंग लाइन करनी है, फिर यहाँ से एक स्लैंटिंग लाइन करनी है, और यहाँ से फिर से एक स्लिपिंग लाइन करनी है. ओके, अब हम पहले ट्रेस करेंगे और उसके बाद नीचे जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें हम लिखेंगे. तो आपको भी मेरे साथ ट्रेस करना है. ओके, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन. जेड क्या बोलना है? जेड. जेड फॉर जेब्रा. क्या बोलना है? जेड फॉर जेब्रा. ओके, आपको ट्रेस कर रहे हो तब ध्यान रखना है कि जो डॉट्स दिए गए हैं उससे बाहर नहीं जाना चाहिए. ओके, उसके ऊपर ही ट्रेस करना है. और क्या बोलना है? जेड फॉर जेब्रा. ओके, तो यहाँ पर हमने ट्रेस कर दिया है. अब नीचे जो बॉक्स है उसमें हम लिखेंगे. ओके, तो चलो अब आप भी मेरे साथ लिखो. स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन. जेड. जेड फॉर जेब्रा. जेड फॉर जेब्रा. जेड फॉर जेब्रा. ओके, इस तरह से अब नीचे भी हमें लिखना है. क्या लिख रहे हो आप? कौन सा अल्फाबेट है ये? यस, जेड. जेड फॉर जेब्रा. वेरी गुड, अच्छे से लिखना है और मैंने जैसे बताया वैसे ही लिखना है. ओके, जेड फॉर जेब्रा. जेड फॉर जेब्रा. जेड फॉर जेब्रा. ओके, इसी तरह से आपको यहाँ पर भी लिखना है. अब हम पेज नंबर 53 ओपन करेंगे और यहाँ पे आज की डेट लिखो. लिख दी डेट. यहाँ पर भी हमें लिखना है अल्फाबेट जेड. तो पहले ट्रेस करना है, उसके बाद नीचे लिखना है. तो पहले आप मेरे साथ अच्छे से ट्रेस करो. ओके, और साथ में क्या बोलना है? जेड. जेड फॉर जेब्रा. क्या बोलना है? जेड. जेड फॉर जेब्रा. कर दिया ट्रेस. अब नीचे बॉक्स में हम लिखेंगे. तो आपको भी मेरे साथ लिखना है. क्या लिखना है? जेड. जेड फॉर जेब्रा. जेड फॉर जेब्रा. जेड फॉर जेब्रा. आप लिख रहे हो ना मेरे साथ? यस, अच्छे से लिखना है. ओके, जेड फॉर जेब्रा. जेड फॉर जेब्रा. अच्छे से बोलकर लिखना है और ध्यान रखना है कि हमें जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें से बाहर नहीं जाना चाहिए. ओके, हमें बॉक्स में ही लिखना है और साथ में बोलना भी है कि हम क्या लिख रहे हैं. जेड. जेड फॉर जेब्रा. जेड फॉर जेब्रा. जेड फॉर जेब्रा. जेड फॉर जेब्रा. ओके, सेम इसी तरह से आपको ये बॉक्स में भी लिखना है. अब हम ये बुक क्लोज करेंगे
और अब आपको लेनी है इंग्लिश क्लास वर्क बुक। इंग्लिश क्लास वर्क बुक में आपको क्या लिखना है देखो, आज हमने जो अल्फ़ाबेट जेड सीखा वो हम इंग्लिश की बुक में लिखेंगे। तो हेडिंग लिखना है और डेट लिखनी है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको जेड फॉर ज़ेब्रा बोलकर अच्छे से लिखना है। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट रेड लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक ही लिखना है, नीचे की जो रेड लाइन है वहाँ पर टच नहीं होना चाहिए। देखो इस तरह से लिखना है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट रेड लाइन से यहाँ सेकंड ब्लू लाइन है वहाँ तक ही मैंने लिखा है, नीचे की जो ये रेड लाइन है वहाँ पर नहीं लिखा है, ओके। जेड फॉर ज़ेब्रा, इस तरह से आपको ये पूरा पेज अच्छे से बोलकर कंप्लीट करना है, ओके। अब हम ये बुक क्लोज करेंगे और आपको लेनी है इंग्लिश होमवर्क बुक। इंग्लिश होमवर्क बुक में भी आपको क्या लिखना है, यस, इंग्लिश होमवर्क बुक में हम लिखेंगे अल्फ़ाबेट जेड, ओके। डेट लिखनी है और हेडिंग भी लिखना है, और जैसे मैंने क्लास वर्क बुक में सिखाया कि आपको कौन सी लाइन में लिखना है वही लाइन फॉलो करनी है और अच्छे से ये पूरा पेज कंप्लीट करना है, बोलना भी है और साथ में लिखना भी है, ओके। अब हम ये बुक क्लोज करेंगे।